मौसम बारिश का बना हुआ है, तो बारिश के मौसम में अक्सर गांव में लाइट जो है वो बंद हो जाती है। फ्रिज में रेगुलर बोतलें जो है वो ख़त्म हो गई हैं, तो बोतलों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया पानी के साथ, जिसे लगाना है फ्रीज़र में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकद्दम सलीम और आज की वीडियो करते हैं शुरू। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से हों। मैं जा रहा हूं जी खेतों में, कुछ ज़रूरी काम है और रास्ते में जा रहा था तो ये जड़ी है इधर बनी हुई, कांटेदार जड़ी। कितने कांटे हैं, कांटे चुभ जाते हैं बच्चों के पाँव में, बड़ों के पाँव में, तो ये काटना बहुत बहुत ज़रूरी है। अक्सर इधर खेतों में आना होता है, हम भी आते हैं और भाई भी आते हैं खेतों में, तो रास्ते में कोई भी आ सकता है, तभी इसे काटते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ये रास्ता अभी कितना खूबसूरत हो गया और ये सारी जड़ी कांटेदार काट दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खेत में पहुंच गए हैं जिस काम के लिए हम आए। दम के बीच हमने थोड़ी सी सरसों बीजी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह सरसों पक गई है, फलियां बनी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें माशाल्लाह सरसों बिल्कुल जो है वो पक गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सरसों के तेल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। नंबर एक बनाया जाता है तेल, ऑयल भी इसे बोलते हैं। ये सर में भी लगाया जाता है, बालों में, और कुकिंग के काम भी आता है। अचार में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई जानवर अगर बीमार हो जाए तो उससे भी देने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सरसों जो है हमने खुद ज़ाती इसका तेल बनवाना है तो इसमें मिलावट नहीं होगी किसी किस्म की। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि घर की जो सरसों हैं वो हो जाए, तो इसलिए थोड़ी सी सरसों हमने बीज दी थी तो अभी उसे काटने के लिए आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह।
कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ये देखें मेरे जो है ना दातरी लग गई है, तो ये प्लेट जो है निकल आया, थोड़ा सा कट गया दातरी से, तो अभी थोड़ी सी जो है सरसों रह गई है। वो चाचू जान आ गए हैं मेरे, वो मेरी हेल्प करेंगे। सरसों हमने काट लिया है, तो अभी हम इसे लेके जा रहे हैं जी घर। सर फलियां थी वो ऊपर ऊपर से काट ली हैं, तो अभी ये जो नीचे तना इसका बच गया है ये काट लेंगे। ये आग जलाने के लिए काम आता है चूल्हे में। कुछ जो है तना वो काट लिया, तो इसी तरह सारा तना जो है काट के तो इधर ही सूखने के लिए रहने देंगे। सरसों का ऑयल बनवाएंगे, वो भी वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी। आज की वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ ही मुकद्दम सलीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।